बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स की और देखेंगे C++ प्रोग्राम्स में आप कमेंट्स को कब और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि एक प्रोग्राम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स से मुराद वो वजाहती लाइन्स हैं जो एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में इसलिए शामिल करता है ताकि वो सोर्स कोड के बारे में अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप कर सके, ताकि कोई भी शख्स जब किसी सोर्स प्रोग्राम को पढ़े, सोर्स कोड को पढ़े, तो वो समझ सके कि ये जो सोर्स कोड लिखा गया है ये किस मकसद के लिए लिखा गया है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपने ये वेरिएबल किस मकसद के लिए डिक्लेयर किया है। अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है तो ये फंक्शन किस मकसद के लिए यूज़ किया है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो सोर्स कोड है उसे पढ़कर कोई भी दूसरा प्रोग्रामर या वो प्रोग्रामर खुद बाद में ये रियलाइज़ कर सकता है कि मैंने कौन सा काम किस मकसद के लिए किया है। कमेंट्स प्रोग्राम्स में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि कुछ ही अरसे के बाद जब आप दोबारा अपना ही लिखा हुआ प्रोग्राम देखें तो आपको ये याद ना रहे कि आपने कौन से स्टेप पे कौन सा कोड किस मकसद के लिए लिखा था, या फिर अगर आपके लिखे हुए प्रोग्राम को, आपके लिखे हुए सोर्स कोड को कोई दूसरा प्रोग्रामर देखता है तो वो आसानी से समझ सके कि कौन सा कोड किस मकसद के लिए लिखा गया है। ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो प्रोग्रामर्स को एक ही प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जाए जिसमें एक ही आउटपुट निकलता हो तो दोनों के लिखे हुए कोड में फर्क होगा। इसका मतलब है कि हर शख्स जब प्रोग्राम लिखता है तो अपनी मर्जी के मुताबिक वेरिएबल्स के नेम रखता है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फंक्शन डिक्लेयर करता है। तो अब किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिखे हुए कोड को समझना मुश्किल हो जाएगा अगर उसके साथ कमेंट्स मौजूद नहीं होंगे, और अगर कमेंट्स मौजूद होंगे तो आसानी से समझा जा सकेगा कि क्या कोड किस मकसद को हासिल करने के लिए लिखा गया है। अगर प्रोग्राम में कमेंट्स शामिल होंगे तो प्रोग्राम को रीड करना आसान हो जाएगा, सोर्स कोड को पढ़ना, और बाद में अगर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई तब्दीली करनी हो, तो उसमें भी आसानी होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स शामिल करते हैं तो कंपाइलर आपके कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। यहाँ पे इग्नोर करने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि कमेंट्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं कंपाइलर उसे आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता। वो सोर्स कोड के अंदर तो आपका जो कमेंट्स है वो पार्ट रहता है, लेकिन जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, उस ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कमेंट्स का कोई रोल नहीं होता। कंपाइलर आपके जो फाइल प्रोड्यूस करता है उसके साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपाइलर उसे कंसीडर ही नहीं कर रहा होता, ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहा होता है। आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स कहीं पर भी शामिल कर सकते हैं, और एक अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप मैक्सिमम कमेंट्स शामिल करें जब आप कोई प्रोग्राम लिखें, ताकि आपका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल रहे और आप खुद भी बाद में उसे आसानी से मॉडिफाई कर सकें। अगर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स शामिल करना चाहें तो उसे दो तरह से शामिल कर सकते हैं। कमेंट्स को सिंगल लाइन कमेंट्स की सूरत में यूज़ किया जा सकता है या मल्टी लाइन कमेंट्स की सूरत में। तो आइए देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट से क्या मुराद है। अगर आप अपने प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना चाहते हैं, जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं कर देते उस वक्त तक आप जो भी लिखते रहेंगे वो एक सिंगल लाइन कंसीडर होगी, और सिंगल लाइन कमेंट से पहले आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद कुछ भी लिखते हैं और एंटर प्रेस नहीं करते तो कंपाइलर उसे एक सिंगल लाइन कमेंट कंसीडर करेगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद प्रोग्राम 2.5 फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखिए, हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है, हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन कंपाइलर इसे बिल्कुल भी इवेल्यूएट नहीं करता कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जब आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल दी तो एक लाइन की हद तक कंपाइलर बिल्कुल इग्नोर कर देगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप अपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ कमेंट्स देना चाहते हो तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद लेंथ इन इंचेस आपने जैसे लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल है सिंगल लाइन कमेंट की। इसी तरह से विड्थ इन इंचेस, इस तरह से कैलकुलेटेड एरिया, कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया, ये सब के सब कमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, और ये देखिए कि कहीं पे ये कमेंट्स आपके इंस्ट्रक्शन के एंड पे लिखे जा रहे हैं, कहीं पे ये इंस्ट्रक्शन से पहले लिखे जा रहे हैं। इट मीन्स कि आप प्रोग्राम में कहीं पे भी कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। बाज़ औक़ात आपको जो कमेंट्स यूज़ करने होते हैं
वो एक लाइन से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ये अमूमन नोट्स की सूरत में भी हो सकते हैं, कई लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं, तो फिर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब यह है कि अब आप एंटर भी प्रेस करेंगे, जितनी मरतबा मर्जी आप एंटर प्रेस करें, आपके कमेंट्स को कमेंट्स ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद स्टेरिक का साइन लगाएं। अब इसके बाद आप जो कुछ भी लिखते जाएं, आप जितनी मरतबा भी एंटर प्रेस करें, आप जितना लेंथी टेक्स्ट लिखना चाहें, वो कमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। ता वक्त ये कि आप दोबारा एंड पे जाके जब आपके कमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, तो आप स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से ऐड ना कर दें। इसका मतलब ये है कि ये पेयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं दो सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और फिर स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। जब फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक है, इसका मतलब है यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट का आगाज हो रहा है, और जब स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके मल्टी लाइन कमेंट्स एंड हो रहे हैं। और जैसा हमने कहा कि मल्टी लाइन कमेंट्स में आप जितनी भी लाइंस में कमेंट्स लिखना चाहें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक प्रोग्राम 2.7, उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे डिस्क्रिप्शन, फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद एंड में फिर एंटर प्रेस किया गया और रिटन बाय अब्दुल्ला, और उसके बाद स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। इट मींस कि एक मल्टी लाइन कमेंट्स के एग्जांपल है। मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक का जो पेयर यूज करते हैं, ये आप सिंगल लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मसलन अगर आप फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक लगाने के बाद कैलकुलेटेड एरिया लिखते हैं, एंटर प्रेस नहीं करते, और फिर स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये नहीं है कि आप मल्टी लाइन के अंदर हमेशा लाजमी मल्टी लाइन कमेंट्स आपने ऐड करने। इट मींस कि मल्टी लाइन कमेंट्स में आप जितनी भी लाइंस कमेंट्स में लिखना चाहें, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो 1001 लाइंस हो, कमेंट्स के लिख सकते हैं। लेकिन जब आप सिंगल लाइन कमेंट यूज करें, तो उसे मल्टी लाइन कमेंट के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते।